दोस्तों, तो आज हमारा वीडियो यूपीपीएससी बीओ में जो आने वाली जीव विज्ञान क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका का विभाजन। पिछले वीडियो में हमने आपको कोशिका पढ़ाया था, इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कोशिका के लिए। तो आज का वीडियो हमारा कोशिका का विभाजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका अगले आपका पास हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही आ जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में सबसे पहले आपका कोशिका विभाजन एक्चुअली होती क्या है, इसका जो क्या कहते हैं खोज, वो की थी 1855 ईस्वी में बर्सो वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहते हैं स्पष्ट किया कि नवीन कोशिकाओं, जितनी भी कोशिकाएँ जो क्या कहते हैं होती हैं, जन्म कोशिकाओं का जितना भी जन्म होता है वो पहले से विद्यमान कोशिका से ही होता है, ठीक है ना। मतलब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। ओके, तो कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य क्या है, एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाएं बनाना, ठीक है ना, संतति कोशिकाओं को जन्म देना है। ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनरुत्पादन, नवीन अंगों की वृद्धि एवं लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः कोशिका, ठीक है ना, जीवों के शरीर विद्या विकास, ये सब आपको दिखाया गया है। तो तीन तरह के कोशिका विभाजन होते हैं आपके, द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन, या हमारा एक और होता है आपका असूत्री बोलते हैं हम, असूत्री विभाजन, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा बहुत हो गया। तो असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा हमारा समसूत्रण या समसूत्री कोशिका विभाजन, और सूत्रा तीसरा आपका अर्धसूत्रण यानी अर्धसूत्री विभाजन हम इसे बोलते हैं। तो आप आगे चलिए, तो आपका सबसे पहले हमारा क्या समसूत्री कोशिका विभाजन देखते हैं हम। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में देखिए, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया कितने दो चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में तो कोशिका के केंद्र का विभाजन होता है, ठीक है ना, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसका विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, केंद्रक विभाजन बोलते हैं। और विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है ना, यह आपका कोशिका थी ना, तो यहाँ आपका केंद्रक होता है, पहले में तो इस केंद्रक का विभाजन हुआ, ठीक है ना, और दूसरी उसमें क्या हुआ, ये कोशिका द्रव्य, ये जो का कोशिका द्रव्य है इसका विभाजन होता है। तो बस विभाजन के अंदर मात्र कोशिका पुत्र कोशिका में बदल जाती है। जैसे देखिए, यहाँ से एक सेल चली थी, आगे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, फिर मिटोसिस, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ। ओके, तो यहाँ पर जाकर क्या हुई, दो पुत्री कोशिका में यहाँ पर आपका क्या हुआ, बदल गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, तो इसकी क्या होती है, कुछ अवस्थाएं होती हैं विभाजन जो होती हैं, इसकी अवस्थाएं होती हैं, निम्न पांच चरण होते हैं इसके, पहला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं विश्राम अवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विश्राम अवस्था में आपका, इसमें क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका में विश्राम अवस्था में होती है। इस अवस्था में कोशिका के जलयोजित होने के कारण गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस अवस्था में केंद्रक जाल केंद्रक द्रव्य में विस्तृत रहता है, परंतु धीरे धीरे ये केंद्रक जाल स्पष्ट होने लगता है आपका। दूसरा प्रोफेज, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन के प्रारंभ होते ही कोशिका में निर्जलीकरण शुरू होने लगता है, इसके परिणाम स्वरूप कोशिका और तत्पश्चात क्रोमेटिन जाल भी स्पष्ट नजर आने लगते हैं। इसमें स्पष्ट नजर आने लगते हैं आपके क्या, क्रोमेटिन जाल, जो क्या कहते हैं इंटरफेज में नजर नहीं आ रहे थे, वो आपके क्रोमेटिन जाल आपके इस प्रोफेज में नजर आने लगते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो इसके पश्चात क्या होता है कि क्रोमेटिन जाल था ना, वो धागे टूटकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। क्रोमेटिन जो था वो आपका छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है ना, ये टुकड़े क्या कहलाते हैं आपके, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये आपको क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर, ठीक है। प्रारंभ में तो ये गुणसूत्र क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए आपका मेटाफेज, फिर आते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में इसमें जो आपकी इस अवस्था में तर्कु पूर्व विकसित हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका पूर्व विकसित हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं हम एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन के इस अवस्था में आरंभ होती क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद आती है लास्ट अवस्था इसकी, टेलोफेज।
ठीक है। इस अवस्था में क्या, इस अवस्था में संतति गुण सूत्र विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी ओर के तारकाय के निकट पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। जो आपका ये कोशिका था यहाँ पर, जो आपका केंद्रक ना, इसके पास कहते हैं तारकाय, इसके निकट पहुंच जाते हैं। ये केंद्रक के पास ही आपका तारकाय होता है, ठीक है ना। अब प्रत्येक कोशिका ध्रुव में मौजूद संतति गुण सूत्रों में प्रोफेज की ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ओके, फिर इसके बाद है आपका अर्धसूत्र विभाजन, ठीक है। वैसे आप इसका महत्व देख लीजिए, समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है यहाँ पर, एक मात्र कोशिका से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। निर्मित सभी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान होती है, यानी कि इन दोनों में जितने भी विभाजित हुए तो इनमें क्या है ना, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। आपकी क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, समान होगी। और क्या कहते हैं, जो ये हुए ना, इन जो ये विभाजन हुआ है, दो गुणसूत्र यहाँ पर जो पुत्री के हुए हैं, ठीक है ना, मात्र कोशिकाओं से क्या है ना, ये संतति कोशिका कोशिकाओं के क्या है, समान ही होंगे, ठीक है ना। ये मात्र कोशिका के समान ही आपके क्या होंगे, गुण मिलेंगे आपको, ठीक है। ये विभाजन सभी सजीवों में वृद्धि का आधार होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अर्धसूत्र विभाजन। अर्धसूत्र विभाजन में क्या होता है आपका, इसकी खोज किसने की थी, बीजमैन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। नामकरण इसका किया था किसने, खोज इसने की थी, लेकिन फार्मर, जिसे हम बोलते हैं फार्मर तथा मूरे, ये दो वैज्ञानिक थे आपके, जिसने आपकी क्या दो खोज इसका क्या कहते हैं नामकरण किया था। इस विभाजन के द्वारा क्या था, इस कोष का विभाजन के द्वारा ये हो जाता है कि द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा एमुक बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल किस में होता है, जनन कोशिका में, जनन कोशिका में विभाजन आपका होता है, ठीक है। अर्धसूत्र विभाजन ऋणात्मक विभाजन की एक प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक कोशिका में मौजूद क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, आधी, जैसे यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये क्या सूत्र विभाजन की तरह ही है, ठीक है ना। अर्धसूत्र विभाजन के शुरू होने के पहले मौलिक कोशिका डीएनए कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में दोहरा हो जाता है, ठीक है ना। दो कोशिका विभाजनों द्वारा ये दोहरे क्रोमोसोम चार अर्गोणित युग्मकों या बीजाणुओं में टूट जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इंटरफेस मीसफेस डॉटर सेस इसमें टूट गई, ये चार जैसे आपको यहाँ पर विभाजन हो गया, ठीक है ना। एक से दो हुए, दो से क्या यहाँ चार हो जाते हैं इसमें विभाजन, ओके। और गुणसूत्रों की संख्या का क्या होता है, गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं इनमें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम अर्धसूत्र विभाजन। तो अर्धसूत्र विभाजन की क्या है, यहाँ अवस्थाएं दे रखी हैं आपकी। तो पहले तो अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट यहाँ दे रखा है आपका, इसमें क्या होता है, समरूपी क्रोमोसोम का प्रतिकरण करके दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, दो अगुणित कोशिकाओं को, इसलिए इसे ऋणात्मक विभाजन कहा जाता है। नियमित गुणित द्विगुणित मान कोशिका में 16 क्रोमोसोम होते हैं और इसे 2N माना जाता है, क्योंकि उसमें समरूपी क्रोमोसोम की क्या होती है, 23 जोड़ी होती है। या फिर प्रोफेज पहली अवस्था दे रखी गई है, तो प्रोफेज पहली अवस्था में क्या होता है, ये क्या एक लंबी अवस्था, ये इस विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, माइटोसिस की तुलना में काफ़ी लंबी होती है ना। ये क्या कहते हैं, आपकी समसूत्र विभाजन की तुलना में ये काफ़ी होती है, लंबी होती है, तो इसके यही सारे लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर इसके क्या है, डायगोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन डायग्नोसिस, ये इसकी क्या है, पांच विभिन्न चरणों में संपन्न होती है आपकी प्रोफेज वन। फिर इसके बाद आप क्या आ जाती है, मेटाफेज। मेटाफेज क्या होती है, समरूपी जोड़े मेटाफेज प्लेट के साथ साथ चलते हैं। फिर इसके बाद आपकी एनाफेज, ठीक है ना, छोटी होकर पुनः संयोजन प्रभु से अलग हो जाती है और समरूपी क्रोमोसोम को अलग कर देती है, क्योंकि हर क्रोमोसोम में गुणसूत्र बिंदुओं की एक ही शक्कर जोड़ी होती है, सारे क्रोमोसोम क्या है दो अगुणित सेट बन जाते हैं, या आपकी टेलीफेज है। फिर इसके बाद इसमें क्या, हर प्रति क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की आधी होती है, किंतु हर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की एक जोड़ी होती है। फिर इसके बाद आपका अर्धसूत्र विभाजन टू, इस प्रक्रिया का अधिकांश भाग क्या सूत्र विभाजन के समान ही होता है। इसके अंत में अर्धसूत्र विभाजन में उत्पन्न दो गुणित अगुणित कोशिकाओं से चार अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। इसमें प्रोफेज वही अवस्था, ठीक है ना, प्रोफेज मेटाफेज और आपका एनाफेज और टेलीफेज, ये सारी अवस्था इसमें होती है। फिर लास्ट में बचता है आपका द्विखंडन, बाइनरी फिजन, दो भागों में विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करना द्विखंडन कहलाता है। जैसे बाइनरी फिजन यहाँ से हुआ था डीएनए रिप्लिकेशन के द्वारा, यहाँ पर क्या है दो यहाँ पर विभाजित हो गए आपके, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके बाद देखते चलिए आविष्कार एवं अनुसंधान का इतिहास।
तो जितने भी आपके यहाँ पर वैज्ञानिक थे उन्होंने किसकी खोज की थी वो आपके यहाँ पर सब दे रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।